पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ और पुणे डाउनटाउन के संयुक्त तत्वावधान में वृहद कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि DRM नॉर्दर्न रेलवे अजय नंदन की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान रोटरी मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता, रोटरी मंडल अध्यक्ष DK शर्मा, दीपा खन्ना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष रोटेरियन अमित गुप्ता, सचिव रोटेरियन अनूप टंडन ने बताया कि ये शिविर 20 मार्च को आरंभ होकर 21 मार्च को शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें पुणे डाउनटाउन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा ऐसे लोगों को कृत्रिम हाथ लगाए जाएंगे जिन व्यक्तियों के हाथ कोहनी के नीचे से किसी कारणवश कट चुके हैं। साथ ही एक विशेष डॉक्टर्स की टीम द्वारा इस कृत्रिम हाथ से किस प्रकार एक व्यक्ति अपने कार्य कर सकता है, इस विषय में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे मुख्य बात यह है कि ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। बाहर से आए हर एक लाभार्थी का रहने और नाश्ते खाने की व्यवस्था रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ के द्वारा की गई है। Smart Sound. तो ठीक दिख रहा है, फिर बाकी प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा क्या। अच्छा, कैसे अप्लाई किया, क्या कोई चार्जेस वगैरह रहे हैं कि ना? कोई चार्जिंग नहीं, कोई चार्जेस नहीं, फ्री खाना भी फ्री। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यक्रम लगा आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम, अच्छे लोग। जो कहना चाहते हैं जिसके प्रॉब्लम हो जरूर आए यहाँ, अगली बार जो कैंप लगाने की करे हैं उसमें जरूर आए हैं। सामाजिक उपयोग का काम रोटरी क्लब ने हमारे क्लब के माध्यम से यहाँ मुरादाबाद मंडल में किया है, और हम सब इन लोगों के किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए हमेशा हम लोग का सौभाग्य रहे कि हम लोग इनका इस कार्य में सहयोग करने के लिए यहाँ पर आ सकें। और मैं एक बार फिर रोटरी क्लब का धन्यवाद करूँगा कि रेलवे क्लब को, रेलवे परिवार को उन्होंने ऐसे पुण्य के कार्य में अपना साझेदार बनाने का मौका दिया। सिंगल है और मैं रोटरी क्लब मुरादाबाद नॉर्थ का सदस्य और रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर। आज दो रोटरी क्लबों ने मिलकर के यहाँ पे कृत्रिम हाथों को विकल करने का कैंप लगाया है। दो दिन का ये कैंप है, इसमें लगभग 650 लोगों को हम हाथ लगाएंगे, और इसमें मुरादाबाद के आसपास के लोग ही नहीं बल्कि बिहार से भी लोग आए हैं, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं। इस कृत्रिम हाथ को लगाने के लिए जो एलन फोर फाउंडेशन है USA की, उससे इम्पोर्ट किए गए हैं ये हाथ, और रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन पूना से हमारे सहयोगी लोग आए हैं, इन्होंने ये हाथ यहाँ पर लगाए हैं और इनकी मदद से हम लगा रहे हैं। इसकी मदद से लाभार्थी जो भी है जिसका हाथ किसी वजह से अपंग हो गया है, वो कट गया है, एक्सीडेंट में कट गया है किसी वजह से, वह अपनी सामान्य जिंदगी जी सकता है। वह उस हाथ के माध्यम से ये कृत्रिम हाथ लगने के बाद से लिख सकता है, रोजमर्रा के काम कर सकता है, टूथब्रश कर सकता है, खाना खा सकता है। ऐसा करके हमारा ये सहयोग रहेगा कि वो जो उनकी अपंगता है वो दूर हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।